अच्छा कितने लोग यहाँ पे जो लोग बीकॉम करके मतलब बीकॉम कर रहे हो साथ में, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी लोग बीकॉम कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मेरे सामने मान लो अगर हम आपको हायर करने वाले, आपको हम जॉब देने वाले, ठीक है, और आप लोग आते हो, सब लोग आप लोग आते हो, क्या चीज आप लोगों को बेटर बना रहा है दूसरे से? क्योंकि आपके पास भी बीकॉम सीएस है, आपके पास भी बीकॉम सीएस है, अराउंड 300 लोगों में आप लोग में से किसी में कुछ भी डिफरेंट नहीं है, व्हाई विल आई चूज यू? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब अपने को कुछ तो ऐसा वर्क करना होगा ना जहां पे अपना जॉब थोड़ा इजी बन जाए, तो यस एकेडमी में। अच्छा यस एकेडमी का मोटो सबको पता है ना, हम लोग आपका केवल एग्जाम पास कराने के लिए नहीं पढ़ाते, वी आर हियर टू हेल्प यू गाइस मेक अ करियर फॉर योरसेल्फ, ठीक है। तो आप जब अपना सीएस कंप्लीट कर लोगे तो व्हाट इज दैट वन थिंग जिसके साथ आप प्राइमरली डील करने वाले हो? दैट इज लॉस। अब एक बात बताना, बीकॉम कितना लॉस पढ़ते हैं बीकॉम में? एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अच्छा एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आपका सीएस पूरा लॉ पढ़े हो। अच्छा आपको क्या लगता है इंडिया में जितना लॉज आप सीएस में पढ़ रहे हो, चाहे आप जेआईजीएल में पढ़ो, एसबीसी में पढ़ो, इतने ही लॉज है? और भी लॉज है ना इंडिया में। अब एक बात बताओ, आप लोग रिक्रूटर्स हो, ठीक है, आपके सामने हम आए हैं, मेरे पास सीएस की डिग्री है, साथ में एक और इंसान मेरे साथ आया है, वो भी सीएस है, हम लोग दोनों सीएस के जॉब लेने के लिए आए, ठीक है, सब चीज सेम है, बस एक ही चीज का डिफरेंस है, उसके पास बीकॉम की डिग्री है और मेरे पास लॉ की डिग्री है, ठीक है, साथ में अलॉन्ग विद सीएस, किसको चूज करोगे? क्यों? अरे बीकॉम इतना अच्छा था, सब लोग बीकॉम कर रहे हैं, बीकॉम वाले को चूज करो। आप लोग खुद बीकॉम कर रहे हो तो बीकॉम को चूज क्यों नहीं कर रहे? अच्छा तो लॉ करने का फायदा होगा क्या? मेरे को फायदा होगा अगर मैंने लॉ किया तो? अच्छा रिक्रूटर को फायदा होगा अगर उसने उस इंसान को सिलेक्ट किया जो लॉ और सीएस दोनों किया हुआ है, तो गधों खुद क्यों फिर बीकॉम करने बैठ गए? खुद लॉ करना चाहिए था ना अभी।